सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। देखिए, मैं बना रही हूँ मम्मी जी के लिए जूस, और ये है देखो, इसमें मैंने थोड़ी सी ये अदरक डाली है। ये देखो, अदरक है, टमाटर है और घिया है, और ये चकुंदर है, और मैंने इसमें आंवला भी डाला है। ये देखो, अभी मैंने छील के जस्ट इसमें रखा है सारी चीज़ें ये सब। तो चलिए अब जूस बनाते हैं मम्मी जी के लिए। सुबह सुबह संडे है, तो मैं सोची कुछ उनके हेल्थ के लिए कुछ अच्छा जूस बना के दूँ। तो चलिए रेडी करते हैं इसको। ये हो गया रेडी, चलो अब इसको छान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है आयुष का शहद वाला पानी, आज पिएगा, अभी सो के आया, अभी नींद में है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मम्मी जी का जूस रेडी हो गया है। देखते हैं उमी जी का रिएक्शन कैसा होता है जूस पीने के बाद में। लग रहा है बेकार ना, है ना, बेकार लग रहा ना, थोड़ा सा अदरक और उसका टेस्ट आ रहा है। चलो, आज मैंने इनका फंडे कर दिया। सुबह सुबह कह रही है क्या है, ये भी तो जरूरी है, अच्छी चीज खाते हो, थोड़ा सा ये भी लो, ठीक है, फिर मीठा जूस बाद में बनाऊंगी। तो चलिए अब बनाती हूँ मैं, आज संडे है तो सैंडविच बनाती हूँ, ठीक है। चलो, मुझे भी ये पीना है थोड़ा सा, अभी मैं टाइम नहीं है, और उमी जी भी जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ काम से। तो चलिए अब मैं भी ले लेती हूँ, फिर बनाती हूँ सैंडविच जल्दी जल्दी से। आलू तो मैंने सुबह सुबह बॉइल कर दिए थे उठ के। तो चलिए अब रेडी करती हूँ मैं ये सब। देखो, फैला हुआ है पूरा, चाय बन गई है उधर। फ्रेंड्स, चलिए मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ बाद में। चलिए, अभी तो मैंने उनको फिलहाल दे दिया है फ्रूट चाट बना के, तो अब मैं बनाती हूँ अपना सैंडविच। चलिए, वेज सैंडविच बनाती हूँ जल्दी जल्दी। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं रेडी हो गई हूँ किचन का काम ख़त्म करके अपना, और आज है संडे और मेरे को अर्जेंट जाना पड़ रहा है गांव, क्योंकि गांव में कुछ मतलब दौरानी को चोट लग गई है हाथ में, तो उसका मतलब डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा। भगवान, मैं तो कहती हूँ ना हो। चलिए देख के आते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या कितनी चोट लगी है उसको। बस ऐसे ही लग गई है, घर की सफाई वगैरह कर रही थी तो वो सीढ़ियों से फिसल गई, उसको चोट लग गई है। देखेंगे, जाके आपको भी दिखाएंगे कितनी चोट क्या हुआ है। तो भगवान, हम तो कहते हैं नवरात्रि भी आ रहे हैं, माता रानी जल्दी ठीक हो जाए। चलो गांव में मिलते हैं जाके आपसे। और मैंने साड़ी पहन ली है, तो चलिए चलते हैं गांव। सो फ्रेंड्स, हम रुक गए हैं बीच रास्ते में नारियल लेने के लिए गांव के लिए। तो चलिए नारियल लेते हैं अच्छे फ्रेश फ्रेश, और फिर चलते हैं गांव की तरफ।
सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए गांव और ये है पूजा का घर जो कि अभी बन रहा है। इसमें काम अभी शराब की वजह से बंद है। तो ये पूजा की भाभी और भैया आए थे मिलने के लिए। ये जो साड़ी में हैं, ये हैं भाभी दोनों पूजा की, पूजा को देखने आई थी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है दौरानी जिसको चोट लग गई है, ज़्यादा लग गई है और डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब देखो, और पूजा इधर रहती है, मतलब घर जिधर बन रहा है पास में, क्योंकि घर को देखना भी पड़ता है, तो ये दूसरी साइड रहती है थोड़ा सा घेर से दूर। और एक घर और है, मैं आपको लेके चलूँगी अभी उधर भी, क्योंकि उधर दीदी मम्मी पापा सब उधर ही रहते हैं। ये तो सिर्फ इधर बन रहा है घर, इस वजह से यहाँ रहना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घेर में पापा जी से मिलने के लिए। लो पापा। मारता नहीं, मारता ना ना, ओ मेरे आते ही। ये देखो पूछ। हाँ इसके वो हो रही है, चीचड़ी हो रही है इसके, तो चीचड़ी है पापा, चीचड़ी हो रही है इसके। चीचड़ी तो सब लोग ही हो रही है, इसलिए क्या करें, दवाई दी, सुई लगवा ले, एक भी ना मर। सो फ्रेंड्स, मैं इधर आ गई दूसरी साइड जो घर है। तो चलिए, दीदी बना रही हैं माता रानी जो कि बनाते हैं झांझी, जो नवरात्रे में ये विराजमान की जाएंगी और 9 दिन हम व्रत रहेंगे, तो इन्हीं की पूजा की जाएगी। दीदी बहुत अच्छी बनाती हैं, मेरे को तो नहीं आती इस तरीके की बनानी। और सो फ्रेंड्स, ये हैं छोटे छोटे दोनों बच्चे, मेरी सबसे छोटी दौरानी के, और अभी रेड साड़ी में जो आएगी वो है मेरी सबसे छोटी दौरानी, और जिसको चोट लग गई है वो है बीच वाली। हाँ, वो अभी हमने काना जी के लिए कहा था ना, उनसे अच्छा हो जाएगा। पैसे ले रहा है, हंस रहा है। तो
मेरी तरफ देख रहा है। मम्मी जी बाय। बड़ी मम्मी इधर देखो, इधर नहीं लूलू नहीं है। बड़ी मम्मी बाय करो, बाय करो, बाय करो, हाथ से ऐसे करो, बाय। चलो सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया था हम गांव से निकल गए ससुराल से आने की, और ये है राम मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है हमारे गांव का।